हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फूड एंड ट्रैवल व्लॉग विद कीर्ति। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम गांव स्टाइल वाला राजमा, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगा सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। पे मैंने लिया है 1.5 कटोरी राजमा, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। ये मैंने धुल के अच्छे से इसमें पानी डाल लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 आलू। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक। अब इसको हम 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। इतने हम टमाटर प्याज कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राजमा को बॉईल होने रख दिया है। 5 से 6 सीटी आने तक हमें इसको बॉईल होने देना है। तो फाइनली इसमें 5 से 6 सीटियाँ आ चुकी है। मैं गैस को कर रही हूँ बंद और मेरा यहाँ पे टमाटर प्याज भी कट चुका है। चलिए अब तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। आज जो मैं राजमा बनाने जा रही हूँ एकदम गांव स्टाइल है, लेकिन इसमें मैं कुछ अपना मसाला ऐड करूँगी, जिससे कि हमारा राजमा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मेरी इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोज़ लेके आऊँ आप तक मेरी सारी वीडियोज़ पहुँचती रहे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ ये प्याज। यहाँ मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हैं मिक्सी में। और अब हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकने देना है। तो ये देखिए, प्याज हमारी एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। और यहाँ पे मैंने ये बारीक हरी मिर्च काटी है, इसको हमें अच्छे से चलाना है। और इस स्टेज पे अब मैं डालूंगी कुछ मसाले। जनरली जो मसाले घर में यूज़ होते हैं वही मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इस मसाले को हमें अच्छे से पकने देना है, जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो मसाले के अंदर से। तो फाइनली देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पे हम गैस को करेंगे कम। और मैं आपको बता रही थी ना कि मैं एक मसाला ऐड करूंगी, जिससे हमारा राजमा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला। आप चाहे तो पास्ता मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है राजमे के अंदर। तो यहाँ मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला यूज़ किया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये राजमा। मैंने इसमें आलू इसलिए डाले थे ताकि हमारा राजमा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आलू डाल के भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है राजमे के अंदर। अब इसको 1 से 2 मिनट हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो फाइनली हमारा राजमा बनके तैयार हो गया है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो फाइनली ये बन चुका है, चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फाइनली हमारी ये राजमा की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आई होप आप सब लोगों को ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये डिश पसंद आई है, प्लीज़ अपने अपने घरों में ज़रूर बना के देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिश के साथ। थैंक यू।